घोसी हार के बाद यूपी में सब कुछ ठीक नहीं। राजभर योगी में खुला चैलेंज। बलिया में ओपी राजभर ने योगी को किया चैलेंज। मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। एनडीए के मालिक योगी आदित्यनाथ नहीं है, एनडीए के मालिक मोदी शाह हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। घोसी उपचुनाव क्या हुआ, अब लग रहा है कि यूपी में गठबंधन में सिर्फ उठावल शुरू हो गया। राजभर इसके लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो सहयोगी कह रहे हैं कि जनता बीजेपी से नाराज है। ऐसे में अब ओपी राजभर ने योगी आदित्यनाथ से सीधा पंगा ले लिया और योगी को ऐसा चैलेंज दे दिया है कि अब ये लड़ाई आगे जाने वाली है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। घोसी उपचुनाव की हार क्या हुई, बीजेपी और उसके गठबंधन की पोल खुल गई और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ओपी राजभर की पार्टी का हुआ, क्योंकि जिस ताकत के बल पर राजभर दिल्ली में मोदी शाह से समझौता करने गए थे और फिर वहां से आकर यूपी पहुंचे तो बाहें फड़फड़ाने लगे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ से टशन जारी रहा, क्योंकि जब विपक्ष में थे ओपी राजभर तो योगी आदित्यनाथ को क्या कुछ नहीं कहा वो आप जानते हैं, लेकिन योगी को मौका मिला और फिर राजभर की पोल खुल गई, क्योंकि जिस राजभरों की ताकत पर शाह से समझौता करके आए थे कि पूर्वांचल में राजभरों का वोट दिलवाएंगे और बीजेपी की लोकसभा सीट बढ़ाएंगे, लेकिन घोसी उपचुनाव ने ओपी राजभर की कलाई खोल कर रख दी और जिस आसमान की बुलंदियों पर राजभर उड़ रहे थे अचानक जमीन पर लापटका। पहले आपको खबर बता दे, फिर राजभर ने जो योगी को चैलेंज किया है उसे बताएंगे। जी हाँ, घोसी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की एक राय थी और ये राय थी कि चुनाव इंडिया और एनडीए गठबंधन की लड़ाई है और जब रिजल्ट आया तो तूफान आ गया। तूफान ये था कि घोसी उपचुनाव में सारी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी बुरी तरीके से हार गई और एनडीए पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ गया और सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार तारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हरा दिया, जिसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले तो वहीं दारा सिंह चौहान के खाते में 81,668 वोट आए। घोसी में सपा का पीडीएफ फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन उसके बाद इस हार की जिम्मेदारी लेने से बीजेपी और सहयोगी राजभर आपस में बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। घोसी हार के बाद ओपी राजभर को भारी नुकसान हुआ और अब लग रहा है कि वह मंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए ओपी राजभर अब सीधे योगी से टक्कर लेने में लगे हैं। उसी कड़ी में बलिया पहुंचे ओपी राजभर ने ऐसा बयान दे दिया कि जिससे लग रहा है कि अब मोदी शाह और योगी के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। पहले हम आपको राजभर का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या है। बात दरअसल ये है कि बलिया में पत्रकारों से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री बनने के सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा दावा कर डाला और मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि विरोधी पार्टी वाले या फिर विपक्ष के लोग एनडीए के मालिक नहीं हैं, उनकी मर्जी से यहां कुछ नहीं होगा, यहां जो होगा हम लोगों की मर्जी से होगा। बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन जो आगे बोला वो योगी को चुभ सकता है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि वो जल्दी ही कैबिनेट मंत्री के पद पर काबिज होंगे। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा एनडीए के मालिक हैं, जो होगा उनकी मर्जी से होगा। उनका ये भी कहना है कि जो लोग उनके मंत्री बनने से परेशान है वो अपना दिल थाम कर बैठे, कहीं कलेजा फट ना जाए, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं ओपी राजभर और क्यों योगी को खुला चैलेंज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अंदर ही अंदर योगी और मोदी शाह के बीच टशन देखने को मिलती है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि मोदी शाह योगी को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और योगी है कि सत्ता के दावेदार वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर इसी तरह के कसीदे राजभर पढ़ते रहे तो योगी राजभर में तन सकती है और मामला खटाई में भी पड़ सकता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस बयान के बाद क्या तूफान आता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।